और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर का ये सेकंड सेमेस्टर है राजनीति विज्ञान। और हमारा जो टॉपिक है वो है सत्ता या प्राधिकरण, इसे अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं। हालांकि हिंदी में सिलेबस में दो बार अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अधिकार में जो स्पेलिंग है वो अथॉरिटी की है। तो अंग्रेजी भी एक बार चेक कर लेंगे कि अधिकार राइट के बारे में पूछा या अथॉरिटी के बारे में पूछा है। तो अथॉरिटी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 105 के सिलेबस का। तो और ये साथ ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे संबंधित जितने कॉलेज में हैं उनके उन सभी के लिए जो है निर्विवाद रूप से उपयोगी है। साथ ही अभी ये थर्ड ईयर में भी ये टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक किसी भी क्लास में है या कॉम्पिटिशन में, तो उसके लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। शुरू करते हैं। देखिए, सत्ता के बारे में हेनरी फेयोल की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखने से आसान हो जाएगा इसको समझना। तो हेनरी फेयोल क्या कहते हैं, उनका कहना है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। यानी अथॉरिटी क्या है, आदेश देने का अधिकार है, और न केवल आदेश देने का अधिकार बल्कि उस आदेश का पालन करवाने की शक्ति भी है। एक डिटेल परिभाषा देखते हैं जो उसकी जो है व्यापक परिभाषा है, सारे आयामों को यह कवर करता है। थियो हैमेन की यह परिभाषा है, ये एक तरीके से कह सकते हैं बेस्ट परिभाषा है। तो ये कहते हैं कि सत्ता जो है वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है या काम करने का आदेश दिया जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है, और आदेश का उल्लंघन करने पर प्रबंधकों द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से पृथक किया जा सकता है या कार्य से निकाला जा सकता है। तो अथॉरिटी या सत्ता क्या है, आदेश देने का अधिकार है, उन आदेशों का पालन करवाने की शक्ति है, और यदि आदेश का पालन नहीं होता है, उसका लंघन किया जाता है, तो उस पर दंड देने की भी क्या है, शक्ति है। वास्तव में देखें तो सत्ता संगठन में वही स्थान है, सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार संगठन में सत्ता की उचित व्यवस्था न हो तो संगठन अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। यानी संक्षेप में अधिकार सत्ता, यानी जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, वो आदेश देने, निर्णय लेने, उनका पालन करवाने की शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाती है, और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी ऐसे आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। सत्ता के प्रकारों की बात करें तो सत्ता के व्यवहार में जो है तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासन में तीन तरह के जो है हम सत्ता की बात करते हैं। एक होता है रेखा अधिकार सत्ता, जिसको लाइन अथॉरिटी बोलते हैं। एक होता है स्टाफ अधिकार सत्ता, जिसको स्टाफ अथॉरिटी बोलते हैं। और एक होता है क्रियात्मक अधिकार सत्ता, जिसको फंक्शनल अथॉरिटी कहते हैं। जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो होती है लाइन अथॉरिटी या रेखा अधिकार सत्ता। सारे आदेश यही देती है, सारे डिसीजन भी यही लेती है, और जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें आदेश और निर्देश देने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। ये टॉप पर होती है। स्टाफ जो सत्ता है ये क्या करता है, ये जो है परामर्श, मुख्य काम है स्टाफ सत्ता का, स्टाफ अथॉरिटी का, परामर्श देना। ये परामर्श देता है, मदद करता है, सहयोग करता है, सेवा करता है, ऐसे शब्द इसके लिए प्रयोग किए गए हैं। इनका मुख्य काम क्या है, परामर्श देना और मदद करना। क्रियात्मक अधिकार सत्ता यानी फंक्शनल अथॉरिटी क्या है, इसका मतलब ये है कि ये निर्णय तो ले लिए गए रेखा अधिकार सत्ता के द्वारा, उनका क्रियान्वयन कौन करेगा। कोई भी पॉलिसी आ गई, ठीक है, पॉलिसी बन करके आ गई है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करेगा, कोई ना कोई अथॉरिटी तो करेगी। तो ये जो तीसरी अथॉरिटी है जिसको हम फंक्शनल अथॉरिटी कहते हैं, ये उन पॉलिसीज को, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। इनका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इसका लिखित नोट्स दिया है उसमें है, वहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको समझा दिया है कि तीनों क्या है। ये आदेश और निर्देश देती है, टॉप पे यही रहती है। ये जो है परामर्श देने का कार्य करती है, और ये उन सभी योजनाओं को कार्यान्वयन करने का कार्य करती है। सत्ता के पालन के आधार की बात करें, यानी सत्ता का पालन क्यों किया जाता है, या अगर सत्ता कोई आदेश देती है, मान लीजिए सत्ता एक संगठन में भी हो सकता है और एक राज्य में भी, तो यदि राज्य या राज्य की सरकार कोई आदेश देती है तो उसका पालन क्यों किया जाता है, तो विश्वास के कारण। हमें विश्वास होता है कि सरकार हमारे हित के लिए कार्य करती है, हमारे लिए बनी है, तो हम उसके आदेशों का पालन करते हैं। हितों की एकरूपता, एक समान हित होते हैं,
किसी विचारधारा की अगर सरकार है, हमारी सोच एक है, हमारे हित एक हैं, तो भी हम उसके आदेशों का पालन करते हैं। दबाव होने पे, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि आप पर एक दबाव है, क्योंकि यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर फाइन लगेंगे, चार्जेज लगेंगे। तो कई बार दबाव और डर में आकर भी आप सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। और चौथा है वैधानिकता। वैधानिकता मतलब क्योंकि जो सत्ता है, जो आदेश जारी कर रही है, वो वैध है, वो लीगल है, यानी जो सरकार है वो वैध है, लीगल है, क्योंकि उसे हमने ही चुन करके भेजा है, तो इसलिए भी हम सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। और एक और वजह हो सकती है कि हमें जो है आदत भी बन जाती है, तो भी हम जो है सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। यहाँ पे सत्ता की अवधारणा में मैक्स वेबर के विचार काफ़ी फेमस हैं, इसलिए देख लेते हैं कि सत्ता के उन्होंने भी एक वर्गीकरण किया है, जिसमें उन्होंने तीन प्रकार की सत्ता बताई है। तो जो है पारंपरिक या परंपरागत सत्ता, करिश्माती सत्ता और वैधानिक सत्ता। इसका भी एक्सप्लेनेशन के साथ जो नोट्स है, लिखित नोट्स, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पारंपरिक सत्ता ये किसको कहते हैं? पारंपरिक सत्ता का मतलब है कि जिसका परंपरा के रूप में, जिसके आदेशों का जो है जनता पालन करते हुए चली आ रही है। जैसे धार्मिक मामलों में देखिए कि कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं, प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, कि अगर धर्म गुरु ने कह दिया कि ऐसे करना है, तो उसका जो है जनता वैसे ही पालन करते चले आती है। यानी परंपरागत रूप से प्रथाओं और परंपराओं के रूप में जब हम आदेशों का पालन करते हैं, धर्म गुरुओं के आदेशों का पालन करते हैं, तो उसे पारंपरिक सत्ता या परंपरागत सत्ता कहा गया है मैक्स वेबर द्वारा। करिश्माती सत्ता यानी किसी का जो व्यक्तित्व है वो इतना करिश्माई है, इतना जादुई है, कि हम उसके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम महात्मा गांधी को ले लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनका व्यक्तित्व इतना जादुई, इतना करिश्माई था कि लोग उनके आदेशों का पालन करते थे, और यही कारण है कि आगे चलकर उनको राष्ट्रपिता का भी दर्जा दिया गया। तो करिश्माई सत्ता का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति या किसी नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जब हम उसके अनुयायी बन जाते हैं या उसके आदेशों का पालन करने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है करिश्माती सत्ता। वैधानिक सत्ता यानी जो वैध रूप से चुनी गई हो, यानी मान लीजिए आम लोकसभा का आम चुनाव हुआ, उसमें जो है आपने सरकार को चुना, मोदी जी या जो भी हैं, राहुल गांधी, या यूपी में योगी आदित्यनाथ जी प्रधान मुख्यमंत्री बन के आए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, तो अब उनके द्वारा कोई भी योजना लाई जा रही है, कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो हम उसका जो है पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक वैध सत्ता है, वैधानिक सत्ता है, लीगल तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता को प्राप्त किया है। सत्ता की सीमाएं क्या हैं? सीमा का मतलब होता है कि वो कौन सी परिस्थिति है, वो कौन से तत्व हैं, कौन से घटक हैं जो सत्ता पर अंकुश लगाते हैं या उसकी प्रभावशीलता को कम करते हैं। तो लिमिट्स ऑफ अथॉरिटीज़ क्या हैं? तो इसके कुछ लिमिट्स हैं, देख लेते हैं। तकनीकी सीमाएं यानी सत्ता वही आदेश दे सकती है जिसमें व्यक्ति जो है जिसका व्यक्ति को ज्ञान हो। मान लीजिए कि सत्ता कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होगा, तभी वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य सौंप पाएगी। जैविक सीमाएं यानी बायोलॉजिकल लिमिट है, यानी सत्ता आपको आदेश तो दे सकती है, लेकिन कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकती जिससे आपके जीवन समाप्त होने का खतरा हो। यानी जो सत्ता है वो आपको जहर चखने का आदेश नहीं दे सकती, बिना उपकरण के बिजली का कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती। इसके अलावा कानूनी सीमाएं भी हैं। मान लीजिए किसी संगठन में आप कार्य करते हैं, ठीक है, तो आप संगठन में कार्य करते हैं, तो संगठन के जो बॉस हैं, जिसको प्रबंधक कहा जाता है, वो कानून के परे जाके या कानून का उल्लंघन करके कोई कार्य करने का आदेश आपको नहीं दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को। और मनोवैज्ञानिक सीमाएं, तो मनोवैज्ञानिक सीमा का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर बॉस है, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदेश, किसी भी तरह का आदेश अपने कर्मचारियों को दे सकता है। उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कर्मचारी हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर बॉस कहे कि अच्छा 8 घंटे की जॉब है आपकी और आपको अब से 12 घंटे जॉब करना पड़ेगा, तो इस पर उसको कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना पड़ता है कि वो उसके विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया करेंगे। आर्थिक सीमाएं भी हैं। मान लीजिए सरकार को योजनाएं लागू करनी है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि कॉलेज जो है अगर चाहे तो उसके पास आर्थिक संसाधन होंगे, तभी वो प्रत्येक स्टूडेंट को स्कूटी प्रोवाइड कर पाएगा। तो आर्थिक सीमाएं भी सत्ता को सीमित करती हैं, जितना आर्थिक संसाधन होगा उसी के अनुसार सत्ता के द्वारा आदेश दिया जा सकेगा। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है, और थर्ड ईयर में इसमें जो है सत्ता के बारे में 1-2 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस टर्म को समझ लेते हैं। एक है एमपी फॉलेट का स्थिति या परिस्थिति का नियम। तो एमपी फॉलेट कहते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी से आदेश नहीं प्राप्त करना चाहिए, कोई उच्चस्थ और कोई अधीनस्थ नहीं है, क्योंकि आदेश देने वाले को कोई जो अधीनस्थ कर्मचारी है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। ऐसे में परिस्थिति के बस जिसकी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसके अनुसार जो है वो अपने कार्यों को करें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर हर वक्त आदेश दे रहे हैं कि ये मेरा आदेश है आके बच्चों क्लास में पढ़ो।
ये एक सिचुएशन है कि स्टूडेंट को पढ़ना है क्योंकि वो स्टूडेंट की जगह पे है, और टीचर को पढ़ाना है क्योंकि ये टीचर की जगह है। तो सभी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को आदेश नहीं दे रहा है। छात्रों का काम है पढ़ना तो वो आके पढ़ेंगे, टीचर का काम है पढ़ाना तो वो आके पढ़ेंगे, यानी सिचुएशनल है ये। यहाँ पे कोई किसी का अधीनस्थ नहीं है, ये मानना है एम पी फॉलेट का। ये जो है फिर एक और अवधारणा है सत्ता के बारे में, चेस्टर बर्नार्ड की। सत्ता हम जनरली क्या देखते हैं कि सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है या प्रत्यायोजित होती है, यानी सत्ता के द्वारा आदेश कहाँ से दिया जाता है, ऊपर से दिया जाता है नीचे की तरफ। लेकिन जो चेस्टर बर्नार्ड हैं इनकी विचारधारा अलग है। ये क्या कहते हैं, सत्ता नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, यानी बॉटम से टॉप की ओर जाती है। कैसे जाती है, तो ये कहते हैं कि देखिए सत्ता तभी सफल होगी जब अधीनस्थों की स्वीकृति मिलेगी। मान लीजिए किसी संगठन में बॉस ने आदेश दिया और उसको कर्मचारी मानते ही नहीं, तो यहाँ पे सत्ता असफल हो जाएगा। यानी सत्ता का प्रवाह कहाँ हो रहा है, नीचे से ऊपर कैसे हो रहा है, यानी जब कर्मचारी जब अधीनस्थ उसका पालन करेंगे तभी क्या होगा, सत्ता सफल होगी। दूसरा ये कहते हैं, एक और इनकी विचारधारा है, थर्ड ईयर में ये पूछता है, बीए थर्ड ईयर में, उदासीनता का क्षेत्र क्या है। तो उदासीनता का क्षेत्र ये होता है कि सरकार के बहुत सारे आदेश ऐसे होते हैं जिसका जनता के द्वारा विरोध नहीं किया जाता है, और वो उदासीन रहकर या निष्क्रिय रहकर उसका पालन करती रहती है। जैसे कुछ कॉमन जो आदेश होते हैं कि मान लीजिए जो कुछ मान लीजिए पार्क के नियम है कि आप वहाँ पे वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाएँ, तो जो जनरल चीज़ें होती हैं जिसका जनता के द्वारा विरोध नहीं किया जाता वो वहाँ पे निष्क्रिय या उदासीन रहती है, तो उसी को इन्होंने उदासीनता का क्षेत्र कहा है। आप सत्ता और शक्ति को भी समझ सकते हैं, हालांकि इसको एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। कई बार आप अथॉरिटी को पावर समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सत्ता और शक्ति जो है कई बार एक दूसरे का प्रयोग आप कर लेते हैं एक ही सेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। देख लेते हैं अंतर क्या है। सत्ता जो है वो लीगल होती है, कानूनी होती है, जबकि शक्ति का लीगल होना आवश्यक नहीं है। जब शक्ति को कानूनी रूप दे दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, अथॉरिटी बन जाती है। एक बात का ध्यान रखेंगे, अथॉरिटी जो है, जो सत्ता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप इनके डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, सत्ता जो है शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत है तो वो उसको किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है। शक्ति में स्वविवेक का अभाव होता है जबकि सत्ता में स्वविवेक निहित होता है। तो आई होप सो कि सत्ता जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका नोट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेम कंटेंट मैंने दे दिया है, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करती हूँ बीए का हो या एमए का हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। धन्यवाद।